दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज चल रही है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला 29 जनवरी से 4 मार्च तक खेला जा रहा है। आपको बता दें, यह टेस्ट मुकाबला क्रिस्टचर्च के हेगली ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं इस टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में पहले दिन टीम इंडिया की पारी समाप्त हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पहले दिन टीम इंडिया की पहली पारी में क्या कुछ हुआ। जी हाँ, पूरे विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, आपको भी लगता है कि दूसरा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया जीत जाएगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। जी हाँ, टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल जल्द ही पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल ने 7 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर चलते बने। हालांकि दूसरे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शो ने टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत दिलाई और शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। जी हां, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने भी टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली और मैदान पर डटे रहे। आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा ने भी टीम इंडिया के लिए 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने हर बार की तरह इस बार भी निराश किया। जी हां, कप्तान विराट कोहली 3 रन और अजिंक्य रहाणे मात्र 7 रन बनाकर जल्द ही मैदान छोड़कर चले गए। उसके बाद दोस्तों, टीम इंडिया के ऑलराउंडर हनुमा विहारी ने टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली। आपको बता दें कि हनुमा विहारी ने अकेले के दम पर शानदार तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 55 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया और आउट हो गए। वहीं पर दोस्तों, ऋषभ पंत 12 रन और रविंद्र जडेजा 9 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों, आखिरी में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़े। मोहम्मद शमी ने 2 छक्कों की मदद से 16 रन बनाए, तो वहीं पर जसप्रीत बुमराह भी 10 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह से टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए। अब दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हार्दिक पांड्या की हुई जबरदस्त वापसी। जी हां, इस टूर्नामेंट में खेली विस्फोटक पारी। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं। उनके टीम में होने से संतुलन बना रहता है, क्योंकि वह बल्लेबाजी से भी टीम के लिए योगदान देते हैं और गेंदबाजी से भी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से भारतीय टीम को अपने इस स्टार ऑलराउंडर के बगैर ही मैदान पर उतरना पड़ रहा है। दरअसल देश का यह ऑलराउंडर पीठ की चोट के चलते टीम से बाहर चल रहा था। दोस्तों, शुक्रवार को हार्दिक पांड्या ने डीवाई पाटिल D20 कप में धुआंधार पारी खेली। आपको बता दें कि पांड्या ने रिलायंस 1 की तरफ से खेलते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ सिर्फ 25 गेंदों में 38 रन बनाए। नंबर 4 पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने धुआंधार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका लगाया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या के अलावा शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार भी रिलायंस 1 के लिए खेलते नजर आ रहे थे। हालांकि शिखर धवन कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, हार्दिक पांड्या पाटिल T20 टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस को साबित कर रहे हैं और अगर इसमें वह पास हो जाते हैं तो उनका चयन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की वनडे टीम में भी हो सकता है। भारत को मार्च के मध्य में साउथ अफ्रीका के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।
अगर इस सीरीज में इस ऑलराउंडर की वापसी होती है तो यह भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी अच्छी खबर होगी। दोस्तों हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए अब तक 11 टेस्ट मैच, 54 वनडे मैच और 40 टी20 मैच खेल चुके हैं। दोस्तों 11 टेस्ट मैचों में हार्दिक पांड्या ने 17 विकेट हासिल किए हैं, वहीं बल्ले के साथ 532 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट में उन्होंने 54 विकेट हासिल किए हैं और बल्ले के साथ 957 रन बनाए हैं। वहीं टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह 38 विकेट ले चुके हैं और 310 रन भी बना चुके हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट प्रशंसक जल्द से जल्द इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को खेलते देखना चाहते हैं। अब दोस्तों इस वक्त की एक और बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल क्राइस्टचर्च में अर्धशतक लगाने के साथ ही पृथ्वी शो के नाम दर्ज हुआ एक अनोखा कीर्तिमान, तो चलिए जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट मैच को बुरी तरह से गंवाने के बाद इस मैच में भारतीय टीम को एक बार फिर से टॉस के रूप में तो निराश होना पड़ा। जी हाँ, टॉस हारने के बाद भारत को न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। ऐसे में भारत के लिए चोटिल माने जा रहे पृथ्वी शो अपनी चोट से पूरी तरह से उबरते हुए मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने ग्रीन ट्रैक विकेट पर अपनी टीम में 4 तेज गेंदबाजों को मौका दिया। भले ही न्यूजीलैंड ने 4 तेज गेंदबाज मैदान में उतारे, लेकिन यहां पर भारत के युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज पृथ्वी शो पूरी तरह से रंग में दिखे। आपको बता दें कि पृथ्वी शो और मयंक अग्रवाल ने पहले विकेट के लिए केवल 5.4 ओवर में ही 30 रन जोड़ डाले। इस स्कोर पर मयंक 7 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें कि पृथ्वी शो की आक्रामकता में कोई बदलाव नहीं हुआ और उन्होंने जोरदार ढंग से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई की। वहीं पृथ्वी शो ने महज 61 गेंदों में ही 50 जड़ डाला और अपने टेस्ट करियर का पहला 50 पूरा किया। आपको बता दें कि पृथ्वी ने 64 गेंद में 54 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का लगाया है। जी हां, आपको बता दें कि पृथ्वी शो ने न्यूजीलैंड की तेज पिच पर बहुत ही खूबसूरत पारी खेली। इस पारी के साथ ही उन्होंने एक खास रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। जी हां, पृथ्वी शो ने अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ ही न्यूजीलैंड में 50 जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया, जिन्होंने अतुल वासन को पीछे किया है। वहीं न्यूजीलैंड में पृथ्वी शो ने 20 साल और 112 दिनों की उम्र में अर्धशतक जड़ा है, जिन्होंने अतुल वासन के ऑकलैंड में 1990 में 21 साल और 336 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था, लेकिन पृथ्वी शो ने अतुल वासन को पीछे कर दिया है। तो वहीं इस मामले में सबसे आगे सचिन तेंदुलकर हैं। जी हाँ, उन्होंने न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट में 1990 में नेपियर में 16 साल और 291 दिनों में अर्धशतक बनाया था। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स